नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी राजपूत आज आया हूँ मोहाली में। सॉरी दोस्तों, मैं आपको दिखा नहीं पाया, पहले आपको मैंने बताया नहीं कि आज मैं मोहाली जा रहा हूँ। अभी मैं मोहाली पहुँच गया हूँ, मैं पीएससीबी बोर्ड जा रहा हूँ। यहाँ देखते हैं काम होता है नहीं, तो पीएससीबी से आगे हमें फॉरेस्ट कम्प्लेक्स में जाना होगा। तो देखते हैं दोस्तों, आगे का नज़ारा मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। पहले एजुकेशन बोर्ड गए थे, फिर फॉरेस्ट कम्प्लेक्स आए एसएसए बोर्ड में। तो यहाँ चेयरमैन और सुपरिटेंडेंट ही छुट्टी पे, आज मंडे है ऊपर से, फिर भी छुट्टी पे है, तो हमारा काम नहीं हुआ। एजुकेशन बोर्ड से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक आए और यहाँ काम नहीं हुआ। अब यहाँ बैठे हैं, क्या करें दोस्तों, गरीब बंदा क्या करेगा। बार बार अपने आज काम की भी छुट्टी मारी, कल भी छुट्टी मारी थी और कल की भी बच जाएगी। बहुत मुश्किल से 200-300 रुपये दिहाड़ी बनती है, वो भी ख़राब गई, किराया इतना ख़राब किया चंडीगढ़ को आने के लिए। अब देखते हैं, शायद फ्रेंड के पास ही रहूँ, क्या करें। फ़ोन करो 10 बजे, आप फिर घर से निकलो, यानी कि 12:30-1 बजे पहुँचो, और फिर घर को काम होगा पता ही नहीं होगा, फिर वापस जाओ, फिर काम नहीं खुलता है क्योंकि 4, 3:30, 4 बजे सब काम खोल लेते हैं, सर्दियों का टाइम है, क्या कर सकते हैं। चलो दोस्तों, ऐसा ही होता है, यह स्ट्रगल की लाइफ होती है। ये तो 7-8 साल से स्ट्रगल ही चल रही है, जब से भर्तियाँ देखती, पहले रोडों पर से होते थे, अब रोडों पर बैठते हैं। ओके दोस्तों, आगे अगर आया शामू लेने तो देख लेते हैं, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे आगे की। फिर तो देखिए ये लड्डू जी क्या कर रहे हैं, नाला खोले कर दो लड्डू। देखिए मैं इन्हें, ये मुझे लेने नहीं आए, इन्हें फॉरेस्ट कम्प्लेक्स नहीं पता लगा, मैं इनको लेने आया। क्या करे, मैंने इन्हें बोला था पढ़ ले बेटा पढ़ ले। अब हम खा के आए हैं छोले भटूरे की प्लेट, आप झूठ मानेंगे, सच में बहुत ही बेकार थे, पर शामो जी को बहुत पसंद आए। ये डेली कैसे खा लेते हैं, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। शामो जी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं समझता हूँ क्यों। दोस्तों हम जा रहे हैं अब शामो जी के 2 BHK फ्लैट में, दिखाएंगे आपको इसका 2 BHK।
देख ले देख ले क्या देख नहीं क्या फ्लैट दिखाते हैं आपको भाई एक बेड पर पांच जने कि दस होंगे तुम आ जाते ये कहड़ा कमरा फिर गाइड चलाई ये देखिए शामू का 2 BHK फ्लैट किचन दिखाता हूँ शामू जी का ये 5 बंदे रहते हैं यहाँ और खाना बनाते हैं वाह जी वाह आलू की सब्जी बनी हुई पड़ी है और ये इन्होंने रोटी का चाट लगाया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये बनाएंगे जितेंद्र 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 शामू का कहीं नाम नहीं है ये बनाता ही नहीं होगा ये देखिए किचन है रोटी का अपमान है भाई ऐसे खाना नहीं फेंकते मिलता नहीं है ये चलो जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ ऐसे ही होता है इनका ये वॉशरूम है थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि ये रसोई है और ये वॉशरूम है और ये इनका रूम है जहाँ 5 बंदे रहते हैं अभी दोस्तों मैं हूँ यहाँ अकेला तो क्या करूँगा पूरा दिन टाइम पास नहीं होगा चलो देखते हैं क्या करते हैं पूरा दिन जी दोस्तों मुझे बहुत ही बढ़िया लगी यहाँ देखने के लिए ये देखिए लगाया आईलेट्स 8.5 लेंगे लिसनिंग में रीडिंग में 8.5 राइटिंग में 7.0 स्पीकिंग में 6.5 ओवरऑल स्कोर करना चाहते हैं ये 7.5 और प्लस 2 में 94 चाहते हैं ये CBSE में नॉन मेडिकल में ये अलग अलग है देखिए दोस्तों कितना बढ़िया अपना टारगेट लगाया इन्होंने मैं भी कभी अपने ऐसे ही लगाता था आईलेट्स के इतने चाहिए मुझे स्कोर और प्लस 2 में मेरे इतने आने चाहिए मेरे आर्मी के एग्ज़ाम के इतने आने चाहिए बढ़िया है पर इन्होंने थोड़ा सा छोटा लगाया है ठीक है मैं घर में बहुत बड़े बड़े लगाता था जो बहुत बड़ी चीज़ है ये मोटिवेट करती है सबको ऐसे दोस्तों आंखों के सामने होना चाहिए हमारा टारगेट जैसे ही सुबह उठे तो इस पे नज़र जाएगी हम मोटिवेट होते हैं बढ़िया चीज़ लगी दोस्तों ये देखने के लिए शाम के 5 बज गए दोस्तों हम आज यहीं रुक गए हैं क्योंकि कल शायद चेयरमैन साहब मिल जाएंगे तो मैंने सोचा कि वो घर जाना है वापस फिर किराया लगाना है फिर इधर भी आना है इसलिए हम इधर ही रुक गए अभी मैं सो के उठ रहा हूँ 5 बज गया आपको चलो नीचे शहर घुमाते हैं वहाँ कभी से हमने ले लिया एक दूध की बोतल पीने के लिए ज़्यादा ठंडा नहीं और निकल गए हैं हम इस रोड पे ही आगे को स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है ये नज़दीक की वाटर सप्लाई है 9 फेज की सेक्टर 63 पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इस साइड पार्क है
दोस्तों हम आ गए मेन हाईवे पे, यहाँ से जा रही है गाड़ियाँ। तो यहाँ से गाड़ी भी ले सकते, देखो पजैरो लगाई है फोर सेल, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ सेल पे लगाई हैं, ये सब गाड़ियाँ सेल पे। इंडेवर फोर सेल दिल्ली का नंबर है। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम कुलचा ठेले वाले भाई के पास, तो खत्म था। भैया के कुलचे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। तो दोस्तों एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ही बुरी लगी, वो ये कि वो बता रहे थे कि कमेटी वाले हमसे 8-9 हज़ार रुपये की पर्ची काटते हैं। वो कहते हम कटाते नहीं हैं, फलों वाले कटाते हैं 8-9 हज़ार की पर्ची। तो वो जो बंदा एक महीने की 8-9 हज़ार की पर्ची 10 हज़ार की कटाएगा तो वो कमाएगा क्या यहाँ? पहले ही कोरोना की वजह से इतना काम नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हम पर्ची नहीं कटाते हैं, हम अगर नहीं कटाते तो वो कमेटी वाले हमारा ये सामान उठा के ले जाते हैं और फिर हमें पर्ची कटानी पड़ जाती है। तो यही बता रहे थे, कहते इसीलिए यहाँ थोड़ी चीज़ें महंगी हैं क्योंकि कमेटी की पर्ची कटानी पड़ती है। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत बुरी लगी, 8-9 हज़ार। अगर मैं सोच रहा था मैं भी इधर काम खोलूँ, पर 8-9 हज़ार रुपये की पर्ची कटाऊंगा तो कमाऊंगा क्या? क्योंकि नंगल में मैं मुश्किल से 7-8 हज़ार या 6 हज़ार तक कमाता हूँ, तो अगर इधर 8-9 हज़ार की पर्ची कटाऊंगा तो क्या बचाऊंगा? क्योंकि वैसे तो जब कॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ सब ओपन हो जाते तो काम ठीक भी रहता है, बट इस टाइम तो कुछ नहीं है ना। इस टाइम COVID-19 के चलते थोड़ा काम बंद है लोगों का, कॉलेज इंस्टीट्यूट भी बंद है। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत बुरी लगी। चलो दोस्तों आगे मिलते हैं आपको वीडियो में। दोस्तों मैं यहीं नज़दीक से गुज़र रहा था, अभी समय हो गया 7 बज गए हैं, तो मैंने देखा मंदिर में आरती हो रही है, वो मंदिर के दर्शन कराता हूँ और आरती सुनते हैं मिलकर।